वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट लेक्चर और आज लेक्चर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब हम लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने परक्विजिट्स शुरू किए थे, और परक्विजिट्स का मतलब क्या होता है, नॉन कैश बेनिफिट्स, कुछ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए, कुछ नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ और कुछ सबके लिए। तो हमने पिछली बार वैल्यूएशन करी थी रेंट फ्री अकोमोडेशन की और रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन की और स्वेट इक्विटी शेयर्स की। आज हम आगे बढ़ते हैं, डे वाइज हम आगे बढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा, कोई भी लेक्चर मिस ना हो जाए। इसके लिए प्लीज़ बेल आइकन दबा दो, सब्सक्राइब कई लोगों ने कर रखा होता है, बेल आइकन नहीं दबा रखा होता तो लेक्चर आता है चला जाता है, आपको पता चलता नहीं है, तो आप प्लीज़ उसको प्रेस कर दो। नए आए हो तो इसको आप सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, हम जब मोटर कार की बात करते हैं तो फंडा क्लियर क्या होता है कि मोटर कार भी मिल सकती है और साथ में ड्राइवर भी मिल सकता है, विच इज़ नॉर्मली कॉल्ड चौफर। गाड़ी वो मिल सकती है जो कि एम्प्लॉयर की खुद की हो, खरीदी हुई कंपनी के नाम पे हो। गाड़ी ऐसी भी हो सकती है कि आपको रेंट पे लेके कंपनी ने दे रखी हो। तो ये सब चीज़ दिमाग में रखना। हम केसेस ऐसे करेंगे कि गाड़ी मालिक की, मालिक मतलब एम्प्लॉयर, ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे जो भी डाउट होगा फिर से बोलूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में इनकम टैक्स की प्ले लिस्ट गिवन है, इनकम टैक्स इंडिया की, उसको पढ़ोगे तो सैलरी पार्ट 3 का एक मैंने वीडियो पर लेक्चर बना रखा है, बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ, उसको पढ़ोगे तो जल्दी समझ आ जाएगा। वैसे यहाँ भी पूरी कोशिश है कि क्योंकि हम बुक में पढ़ रहे हैं उसको दिखाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आपको कैसे पढ़ना है इस टॉपिक को, आपको ऐसे पढ़ना है कि गाड़ी मालिक की, पेट्रोल मालिक का, गाड़ी मालिक की, पेट्रोल एम्प्लॉय का, गाड़ी भी बाहर की और पेट्रोल भी बाहर मालिक का, और गाड़ी भी बाहर की और पेट्रोल भी डलवाएगा नौकर मतलब एम्प्लॉय। अगर ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखोगे, मैं रिक्वेस्ट करूँगा फिर से रिपीट करके देख लो मैंने क्या बोला है, फिर आपको जल्दी समझ आएगा। हमें वैल्यू निकालनी है, क्योंकि पैसे हम नहीं दे रहे, एम्प्लॉय पैसे नहीं दे रहा, उसको वैल्यू मिल रही है। मोटर कार फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय ऑन द फॉलोइंग बेसिस। देखो, कार किसकी है और मेंटेन कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर। उसको ऐसे पढ़ते हैं, किसने किया मेंटेन, एम्प्लॉयर ने। अब ये देखना है आपको गाड़ी किसके लिए यूज़ हुई है, ऑफिस के लिए यूज़ हुई है तो ये तो पर्क ही नहीं है, पूरा पर्सनल यूज़ हुआ तो फुल्ला पूरा का पूरा पर्क आपका पर्सनल बेनिफिट हो गया। लेकिन अगर पार्टली ऑफिस के लिए यूज़ करता है और पार्टली घर के लिए यूज़ करता है तो वहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं। तो देखो, अगर पूरा ऑफिस पर्पज़ के लिए यूज़ की गई गाड़ी, इसको अंडरलाइन इसलिए कर रहा हूँ साथ साथ ताकि आपको दिमाग में रहे, ऑफिस पर्पज़ के लिए यूज़ किया तो ये तो परक्विजिट ही नहीं है, क्योंकि ये तो ऑफिस के लिए यूज़ किया आपने गाड़ी, मुझे क्या बेनिफिट हुआ, मुझे तो जब बेनिफिट होगा जब मेरे लिए कुछ होगा। पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ हुआ तो चाहे वो मोटर गाड़ी का हो चाहे ड्राइवर के पैसे हो, सब टैक्सेबल। लेकिन अगर दोनों के लिए यूज़ किया, जी मैं ऑफिस के लिए भी यूज़ करता हूँ और घर के लिए भी यूज़ करता हूँ, तो उसकी वैल्यूएशन होती है कैसे, 1800 रुपये छोटी गाड़ी का अगर छोटी गाड़ी है तो, 2400 रुपये पर मंथ अगर बड़ी गाड़ी है तो। इसका मतलब अगर आपको छोटी गाड़ी मिली है, इसका कैपेसिटी, इंजन कैपेसिटी का फ़र्क होता है, अगर 1 लीटर से कम का इंजन है या 1 लीटर तक की गाड़ी है तो आपको 1800 रुपये पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12 आपकी परक्विजिट की वैल्यू हो जाएगी। लेकिन अगर वो 1 लीटर से ऊपर का इंजन जाता है तो 2400 पर मंथ इंटू 12 करके आपकी साल की वैल्यू आ जाएगी, और अगर ड्राइवर भी साथ में है तो उसकी सैलरी भी साथ में ऐड होगी, वो कितनी होगी अभी बताता हूँ। अब शुरू करते हैं ऐसे, देखो, कार ओन्ड बाय, गाड़ी किसकी है, मालिक की, पेट्रोल कौन देगा मतलब मेंटेनेंस कौन देगा, मालिक देगा, नौकर। तो अगर नौकर, गाड़ी मालिक की, पेट्रोल नौकर का, ऑफिस पर्पस नॉट परक्विजिट, पर्सनल पर्पस सिर्फ ड्राइवर का पैसा देगा, वो ड्राइवर की जो सैलरी होगी वो परक्विजिट में आएगी, डी मतलब ड्राइवर है, बाद में बताएगा वो। बोथ पर्पस, तो क्योंकि पेट्रोल तो मैंने खुद डलवाया तो सिर्फ डेप्रिसिएशन कॉस्ट दूंगा ना गाड़ी की मैं, तो 600 रुपये छोटी गाड़ी, 900 रुपये बड़ी गाड़ी, ये वैल्यूएशन आपको याद रखनी है। गाड़ी भी नौकर की है और पेट्रोल डलवाएगा मालिक, समझ रहे हो, गाड़ी नौकर की है, तेरी गाड़ी है भाई, पेट्रोल मैं दे दूंगा तो परक्विजिट तो है ही नहीं है। तो सिर्फ जब बोथ पर्पस आएगा ना, ऑफिस पर्पस नो परक्विजिट, पर्सनल एक्स पर्पस सिर्फ मोटर गाड़ी का जो भी आपका
जो पर्सनल पर्पस पे खर्चा होगा वो आपका, लेकिन अपने लिए है वो। तो यहाँ पे दिक्कत आएगी बोथ पर्पस। एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय एम्प्लॉयर, देखो यहाँ पे आपने क्या किया था, 1800 वैल्यू निकाली थी। अब वहाँ पे क्या करना है, जो भी खर्चा एम्प्लॉय पे करता है उसमें से 1800 माइनस कर दो, जितना खर्चा एम्प्लॉय ने किया 2400 माइनस कर दो, क्योंकि पेट्रोल कौन दे रहा है, एम्प्लॉय दे रहा है ना, तो ऑफिस का कितना बनता है, ऑफिस का सिर्फ 1800 या 2400 बनता है, वो माइनस कर दो। देखो ऐसे सिंपल, एक्चुअल एक्सपेंडिचर बाय एम्प्लॉयर एज रिड्यूस बाय 1800 या 2400 पर मंथ जो हमने पहले पढ़ा, या फिर 900, और अगर ड्राइवर साथ है तो 900 रुपये पर मंथ उसका माइनस कर दो। ठीक है, आपको इसे याद रखना है, ड्राइवर का हर केस में 900 रुपये है। एम का मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट, डी मतलब डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कार। तो आपने यहाँ पे देखा कि जब गाड़ी ऑफिस पर्पज़ के लिए यूज़ करी मैंने, तो क्योंकि गाड़ी का पेट्रोल ऑफिस वाले दे रहे, लेकिन गाड़ी की डेप्रिसिएशन कौन देगा, तो ये जो डेप्रिसिएशन है वो 10% पर एनम ऑफ द गाड़ी की वैल्यू, वो चार्जेस हम एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड कर देंगे एज ए परक्विजिट वैल्यू। गाड़ी भी नौकर की, पेट्रोल भी नौकर का, तो किसी पर्पस के लिए यूज़ कर लो भैया, वो तो परक्विजिट में नहीं आएगा ना, परक्विजिट तो तब होगा या तो गाड़ी आप दो या पेट्रोल आप दो। ठीक है, आप देखो 2400 का मतलब क्या है, कब है ये, जब हाई कैपेसिटी कार है। 900 रुपये, 1800 कब है, जब लो कैपेसिटी कार है। 900 रुपये पर मंथ कब है, हाई कैपेसिटी कार, 600 पर मंथ फॉर लोअर कैपेसिटी कार। हायर कैपेसिटी कार मीन्स अ कार हुज क्यूबिक कैपेसिटी इज 1.6 लीटर इंजन। ओके, यहाँ पे चेंज हो गया, जो मैंने पहले आपको पढ़ाया था 1 लीटर बताया था, अब वो गाड़ी की कैपेसिटी 1.6 लीटर, तो 1.6 लीटर से ज़्यादा का इंजन है तो हाई कैपेसिटी, तो 2400 रुपये पर मंथ। अगर 1.6 लीटर से कम की गाड़ी है तो 1800 रुपये पर मंथ या 600 रुपये पर मंथ। गाड़ी में जी ड्राइवर मिल गया और ड्राइवर की सैलरी भी कंपनी दे रही है, तो कोई बात नहीं सर, 900 रुपये पर मंथ आपको उसकी उसकी सैलरी जो भी कंपनी दे रही है, कोई दे रहा है, आपकी सैलरी में 900 रुपये पर मंथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, आते हैं आगे। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, सोनम हैज़ बीन प्रोवाइडेड अ कार ऑफ 1.7 लीटर, 1.7 लीटर मतलब हो गया गाड़ी बड़ी है, 2400 आएगा या 900 आएगा, बाय हिज एम्प्लॉयर, गाड़ी मालिक की है। द कॉस्ट ऑफ कार टू द एम्प्लॉयर वॉज 3,50,000। ये इसलिए देते हैं ताकि इसका 10% निकालें डेप्रिसिएशन की वैल्यू, एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इंकर्ड इज 330,000 पर एनम। ये भी कौन देगा, डिपेंड करता है कंडीशन के हिसाब से। शॉफर सैलरी पेड बाय एम्प्लॉयर 3,000 पर मंथ, लेकिन हम कितना लेंगे, 900 रुपये पर मंथ। फाइंड द वैल्यू ऑफ परक्विजिट फॉर सोनम फॉर असेसमेंट ईयर दिस, इफ द कार इज यूज फॉर ऑफिस पर्पज है तो नो परक्विजिट, पर्सनल पर्पज है तो 2400 पर मंथ इंटू 12 प्लस 900 पर मंथ इंटू 12, बोथ द पर्पज आपको याद होगा, सॉरी पर्सनल पर्पज मेंटेनेंस एंड डेप्रिसिएशन, बोथ पर्पज में 1800 2400 वाला रूल अप्लाई होगा। तो डेप्रिसिएशन ऑफ द कार कैसे निकाला, 10% ऑफ दिस डेप्रिसिएशन आ गया, मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट कितनी आ गई, 30,000 पूरी की पूरी, ड्राइवर की सैलरी 36,000 कैसे ली, 900 × 12 36,000, तो लेस अमाउंट चार्ज फ्रॉम एम्प्लॉय, ऊपर लिखा हुआ है कुछ, एम्प्लॉय इज बीइंग चार्ज 15,000 पर एनम, तो टोटल अमाउंट में से 15,000 माइनस कर देंगे, जो बचा ये वैल्यू आ जाएगी हमारे एम्प्लॉय के लिए उसकी टैक्सेबल परक्विजिट में। और अगर ऑफिस पर्पस के लिए यूज़ करता है या पर्सनल दोनों के लिए करता है सी पार्ट में, तो 2400 पर मंथ फॉर कार, 900 फॉर ड्राइवर, टोटल हो गया 3,300 पर मंथ इंटू 12, ये वैल्यू आ जाएगी। सिंपल, मेजोरिटी टाइम क्वेश्चन पेपर्स में सी वाला क्वेश्चन आता है, बी वाले और ए वाले कम आते हैं। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन और भी हैं, इसको रोक रोक के पढ़ना है तो रोक रोक के पढ़ लेना वीडियो को, नहीं तो बुक आप डाउनलोड करोगे तो उसमें से पढ़ लेना, लेकिन सारी इलस्ट्रेशन करना, कोई भी इलस्ट्रेशन मत छोड़ना दोस्तों, सारी इलस्ट्रेशंस करनी है। अगर आपको अच्छे से स्कोर करना है सब्जेक्ट में तो सारी इलस्ट्रेशन कर डालना, इलस्ट्रेशन 26। अभी तो आपको बहुत फैसिलिटीज़ हैं सीरियसली, अगर हमारे टाइम पे अगर आप पढ़ते, मतलब जब मैंने किया था 1997 में जब इनकम टैक्स पढ़ा था पहली बार, तो हमारे टाइम गूगल नहीं था, टाइम पास नहीं होता था, हमारे पास एक ही बुक होती थी उसी में से पढ़ते थे बैठ बैठ के। आज तो इतना कुछ है आपके पास, उसका यूज़ करो। मोटर गाड़ी के अलावा कोई गाड़ी है तो
तो पहली बारी बात हो गई हमारी मोटर कार, गाड़ी मालिक की, पेट्रोल मालिक का, गाड़ी मालिक की, पेट्रोल नौकर का, गाड़ी नौकर की, पेट्रोल नौकर का, गाड़ी भी मालिक की, पेट्रोल भी, गाड़ी भी नौकर की और पेट्रोल भी मालिक नौकर का, ये सब केसेस ध्यान में रख के चलोगे। गाड़ी किसके लिए यूज हुई, ऑफिस के लिए, पर्सनल या बोथ? सबसे ज़्यादा केस आएगा जब बोथ आएगा, ठीक है। और कन्फ्यूज़न आती है पर्सनल में, पर्सनल में सिर्फ मेंटेनेंस और डेप्रिसिएशन चलता है। अब आते हैं गाड़ी मोटर कार नहीं है लेकिन दूसरा व्हीकल है, तो दूसरे व्हीकल के अंदर केसेस सारे सेम रहेंगे लेकिन 1800 2400 वाले रेट नहीं आएंगे, क्योंकि गाड़ी की कुछ और है। द फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय ऑन द फॉलोइंग बेसिस। जो दूसरी गाड़ी है वो गाड़ी भी मालिक की है और गाड़ी पेट्रोल भी मालिक दे रहा है। ऑफिस पर्पज़ नो परक्विजिट। ऑफिस पर्पज़ तो जहाँ लिखा हो ना वो परक्विजिट होता ही नहीं है, परक्विजिट हमेशा पर्सनल बेनिफिट के लिए ही होता है। पर्सनल पर्पज़ तो एक्चुअल मेंटेनेंस प्लस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। अगर दोनों के लिए हुआ तो रीजनेबल प्रोपोर्शन ऑफ मेंटेनेंस प्लस डेप्रिसिएशन। अब ये डिपेंड करता है, रीजनेबल की डेफिनेशन बड़ी क्लियर नहीं है एक्चुअली, अभी देखते हैं। गाड़ी नौकर की, पेट्रोल मालिक का, पहला पर्पज़ तो ऑफिस है, नो परक्विजिट। पर्सनल में क्योंकि गाड़ी किसकी है, एम्प्लॉय की, तो डेप्रिसिएशन तो उसका खुद का ही होगा, लेकिन मेंटेनेंस कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर। तो जो भी मेंटेनेंस आपको मिली है ना पर्सनल के लिए, वो सारी की सारी परक्विजिट है आपकी। अगर बोथ पर्पज़ है तो जितना भी खर्चा सैलरी पेट्रोल एम्प्लॉयर ने दिया होगा उसमें से 900 रुपये पर मंथ आप रिड्यूस कर दो, बाकी सारा का सारा परक्विजिट में शामिल कर दोगे आप। तो एक्चुअल अमाउंट बाय एम्प्लॉयर माइनस 900 रुपये पर मंथ, तो जो बचेगा वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा एज ए परक्विजिट। अब बात करते हैं जी, हम तो बड़े आदमी हैं, हमें नौकर भी मिलता है, ये तो आसान सा है। क्यों? जितनी तनख्वाह नौकर की है वो आपके लिए हो गई स्पेसिफिक, आपके लिए परक्विजिट की वैल्यू हो गई। तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट इज डिटरमाइंड एज, चाहे सर्वेंट एम्प्लॉयर ने अपॉइंट किया हो चाहे एम्प्लॉय ने अपॉइंट किया हो। तो एक्चुअल कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल एज परक्विजिट। अगर उसकी सैलरी एम्प्लॉयर दे रहा है तो जितनी भी दे रहा है वो सब की सब आपके लिए वैल्यू हो जाएगी उस परक्विजिट की। तो यहाँ पे देखो, श्री भगवान हैज़ प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग सर्वेंट्स विद दिस एम्प्लॉयर। कितने एम्प्लॉयर या सर्वेंट मिले हुए हैं, हमें एक नहीं मिलता। वॉचमैन भी मिला, कुक भी मिला, मेड सर्वेंट, स्वीपर, गार्डनर। अपॉइंट किसने किया देखो, एक एम्प्लॉयर ने किया, दूसरा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की वाइफ ने किया, तीसरा एम्प्लॉयर ने किया, चौथा एम्प्लॉय ने किया, पांचवा एम्प्लॉयर ने किया। तो बस वाइफ वाले को छोड़ दो, बाकी सारे आ जाएंगे आपके लिए। ये देखो 1 2 3 4 5, और यहाँ पे कितने हैं, अच्छा नहीं कुछ रह गया, वॉचमैन। अच्छा, श्री भगवान हैज बीन प्रोवाइडेड रेंट फ्री अकोमोडेशन विच इज ओन बाय एम्प्लॉयर। फाइंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सर्वेंट इफ केस ए ही इज ए स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, केस बी ही इज नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। ओके, अगर केस बी में नॉन स्पेसिफाइड गया तो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं इस बारे में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले अगर वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है तो सारा का सारा टैक्सेबल हो गया, 24,000, 36,000, 12,000, 6,000। गार्डनर, सिंस रेंट फ्री अकोमोडेशन ओन बाय एम्प्लॉयर इज प्रोवाइडेड। अब रेंट फ्री अकोमोडेशन था तो दोनों के लिए ही वो एप्लीकेबल नहीं माना जाएगा। गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर फैसिलिटी, सिलेंडर भी दे रही है कंपनी, तो जितना भी उसकी वैल्यूज है ना दोस्तों, उसकी मैन्युफैक्चरिंग की या उसकी सप्लाई की, जो भी बिल वे गवर्नमेंट कंपनी पे कर रही है, वो सब आपके लिए परक्विजिट की वैल्यू हो जाती है। इसमें कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी, जितनी वैल्यू सब टैक्सेबल। वैल्यूशन ऑफ परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्री एजुकेशन, हमारी कंपनी आपको फ्री एजुकेशन देती है। फैसिलिटी प्रोवाइड बाय एम्प्लॉय नॉट टैक्सेबल ऑफकोर्स, क्योंकि मैं अपने बच्चे के लिए खुद दूंगा तो मैं क्यों टैक्स दूंगा उसके ऊपर। फैसिलिटी प्रोवाइड बाय फैमिली मेम्बर, तब भी मैं क्यों दूंगा। फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एन इंस्टीट्यूशन ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, आपको पता है बड़ी सी कंपनी रिलायंस, टाटा, ये सब कंपनी है, इनके अपने अपने स्कूल्स भी होते हैं, तो वो अपने एम्प्लॉयज को बोलते हैं कि अपने बच्चों को यहीं पढ़ा लो फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है। तो वेन द इंस्टीट्यूशन इज ओन बाय एम्प्लॉयर या फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एनी इंस्टीट्यूशन नॉट ओन बाय द एम्प्लॉयर ऑल्सो, लेकिन क्योंकि आपका बच्चा पढ़ रहा है इसलिए हम उसकी फीस देंगे, सब कुछ हम देंगे उसको, टेंशन मत लो। तो चाइल्ड ऑफ एसएससी,
कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन इज सिमिलर इंस्टीट्यूशन सब्जेक्ट टू एग्जेम्पशन ऑफ 1,000 पर मंथ पर चाइल्ड शैल बी टैक्सेबल। तो अगर उस इंस्टीट्यूशन में नॉर्मल बच्चों की फीस 3,000 रुपये महीना है तो आपके जो चार्जेस टैक्सेबल होंगे वो होंगे 2,000। तो 3,000 में से 1,000 रुपये महीना माइनस कर देंगे, 2,000 आपके लिए टैक्सेबल हो जाएंगे। और दूसरे फैमिली मेम्बर्स के लिए तो भैया वहाँ तो 3,000 पूरे के पूरे आपको टैक्सेबल हो जाएंगे। मतलब खुद का ही बच्चा पढ़ा रहे हो तो ठीक है, एम्प्लॉय के खुद का बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन एम्प्लॉय की फैमिली का दूसरा बच्चा पढ़ रहा है उसको भी फ्री मिल रहा है तो वो हम नहीं मानेंगे। वहाँ पूरी जो वैल्यू होती है उसकी, वो एक तरह से आपकी वैल्यू ऑफ परक्विजिट बन जाएगी। रीइंबर्समेंट ऑफ एजुकेशन एक्सपेंडिचर टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ने अपने तनख्वाह में से बच्चे की फीस जमा कर दी और कंपनी उसको वापस दे देगी वो पैसा, तो एक्चुअल रीइंबर्समेंट शैल बी टैक्सेबल। जो भी आपने पे किया कंपनी ने वापस कर दिया तो आपकी इनकम हो गई ना पूरी की पूरी, तो वो आपके लिए पूरी की पूरी टैक्सेबल हो जाएगी। हु इज चार्जेबल इन केस ऑफ रीइंबर्समेंट? ऑल एम्प्लॉयज। स्कूल फी ऑफ फैमिली मेंबर? ऑल एम्प्लॉय। लेकिन इन एनी अदर केस ओनली स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस याद है पिछले वाले लेक्चर में किए थे, तीन तरह के होते हैं, जिसकी सैलरी 50,000 महीने से ज़्यादा हो, 5,000 महीने से ज़्यादा हो, या फिर नहीं 50,000 साल की ज़्यादा, या फिर वो स्पेसिफाइड डायरेक्टर एम्प्लॉय हो, या फिर वो 20% से ज़्यादा वोटिंग पावर लेके बैठा हो। ओके, वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्री ट्रांसपोर्ट। गाड़ी मिलती है जी, मेरे को लेने भी आती है छोड़ने भी आती है। इफ़ एम्प्लॉयर इज एंगेज इन ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस, खुद का ही बिजनेस ट्रांसपोर्टेशन का, तो अमाउंट चार्ज फ्रॉम पब्लिक फॉर सच फैसिलिटीज टैक्सेबल। तो वो जितना पैसा पब्लिक से लेता है उतना ही एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए। अदर केसेस हैं तो देन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयर फॉर सच फैसिलिटीज टैक्सेबल इन हैंड ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। हालांकि आज की डेट में कोई दिखाता नहीं है, लेकिन चार्जेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय होता है कि नॉर्मली इसका खर्चा कितना आता, तो वो पूरा का पूरा कौन देना चाहिए, वो देगा एम्प्लॉय। यहाँ पे लिखा हुआ है अगर रेलवे में काम करते हैं एयरलाइन में तो क्या होगा, ठीक है। अब क्योंकि घर घर थोड़ी जाएगा एयरलाइन या रेलवे आपको लेने के लिए, वहाँ पे इट इज़ नथिंग चार्जेबल टैक्स। ओके, वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन। आपको लोन दे रहे हैं, इंटरेस्ट की जरूरत नहीं है जी, और कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। देन परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन और कंसेशनल लोन टू द एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड बाय द एम्प्लॉयर और एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ इज नॉट टैक्सेबल इफ एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन गिवन बाय एम्प्लॉयर डज नॉट एक्सीड 20,000। 20,000 से नीचे तक का लोन है तो उसके ऊपर कुछ भी आपको परक्विजिट के नाम पर, इंटरेस्ट के नाम पर परक्विजिट नहीं लगाया जाएगा। लेकिन अगर उसके ऊपर चले गए तो द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सच परक्विजिट शैल बी डिटर्मिंड एज पर द रेट एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ रेलेवेंट प्रीवियस ईयर चार्ज बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन अगर आपका लोन 21,000 भी हो गया ना, तो उस डेट पे देखेंगे कि SBI का लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वो आपको देना पड़ेगा एज अ परक्विजिट टैक्स, आपको उसके ऊपर वैल्यू में ऐड हो जाएगा और बाद में उसकी टोटल कंप्यूटेशन हो जाएगी। लोन फॉर मेडिकल फैसिलिटी, कंसेशनल इंटरेस्ट, ये सब आप छोटी छोटी चीज़ें पढ़ना, ठीक है दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ें अपने आप पढ़ना, अब तक की डिस्कशन के बाद ये सब क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं ट्रैवलिंग, टूरिंग, हॉलीडे, होम एक्सपेंडिचर ऑन हॉलीडे। वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रैवलिंग, टूरिंग, हॉलीडे, होम, अदर एक्सपेंस पेड फॉर ऑन और बोर्न और रीइंबर्स बाय एम्प्लॉयर फॉर एनी हॉलीडे अवेल ऑफ द by the employee or member of the family is taxable in the hand of all employees as per the case below. Case kya hai? Where such facility is maintained by employer and is not availed uniformly to all employee, then uski jo bhi notional cost of such facility hai, in other words value at which such facilities are offered by other agencies to the public, matlab agar aapko hotel mein rehne ka stay free de diya तो होटल का नॉर्मल चार्जेस क्या होते हैं, वो आपके लिए टैक्सेबल। वेयर द एम्प्लॉई इज देन ऑफिशियल टूर एंड द एक्सपेंसेस आर इंकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मेंबर, एम्प्लॉय तो गया टूर पे लेकिन फैमिली को ले गया साथ में, तो भैया फैमिली के पैसे कौन देगा,
तो द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर सो इंकर्ड फॉर एकम्पनिंग मेंबर्स, घर के लोगों पे जो खर्चा होगा वो आपका एक्सपेंडिचर माने आपके लिए वैल्यू ऑफ परक्विजिट बन जाएगा। वेयर एनी ऑफिशियल टूर इज एक्सटेंडेड एज ए वेकेशन, तो जब तक ऑफिस का था ठीक है, जिस दिन वेकेशन एक्सपेंड हुआ वहाँ पे उसके वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट में आ जाएगा। ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको ऐसी याद रखनी है। फ्री मील हमेशा एक टैक्स फ्री होती है, ठीक है। ये लिखा है द फैसिलिटी प्रोवाइड बाय एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय ऑन द फॉलोइंग बेसिस, टी स्नैक अदर नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस ड्यूरिंग द ऑफिस नो टैक्स, फ्री मील प्रोवाइड ड्यूरिंग द लंच आवर्स ऑफिस रिमोट एरिया में काम करता है या ऑफ शोर में काम करता है तो नो, खाना कहाँ से लाएगा अपने लिए वरना इतनी दूरी है। फ्री मील्स ये इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स एट ऑफिस और बिजनेस प्रमाइसिस या थ्रू पेड वाउचर्स, होते ना आपको कई बार वो कौन से वाउचर होते हैं ऐसे नाम होता है अभी निकल गया दिमाग से मेरे नाम, सुडेक्सो पासेस, सुडेक्सो के पासेस मिल गए आपको, दो जाओ खाए जाओ। एक्सपेंडिचर ऑन फ्री मील इन एक्सेस ऑफ 50 पर मील शेल बी टैक्सेबल परक्विजिट, 50 रुपये तक का आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने 70 रुपये मिला तो 20 रुपये आपके टैक्सेबल हो जाएंगे, ठीक है। इन एनी अदर केस द एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय एम्प्लॉयर, अगर किसी और केस की बात कर रहे हो तो जो भी खर्चा एम्प्लॉयर ने दिया है वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। कई बार कुछ कंपनी आपको गिफ्ट वाउचर देती हैं, टोकन गिवन बाय द एम्प्लॉयर देते हैं, तो अगर उनकी वैल्यू 5,000 से ऊपर है तो टैक्सेबल है, 5,000 से कम है तो वो टैक्सेबल नहीं होगी। देखो अप टू 5,000 कोई टेंशन नहीं है, उसके ऊपर का गिफ्ट वाउचर वगैरह मिला है आपको तो वो टैक्सेबल हो जाएगा चाहे कोई भी एम्प्लॉय क्यों ना हो। क्रेडिट कार्ड है तो भी नो टैक्स, अगर वो सिर्फ ऑफिस के लिए यूज़ करता है तो, अगर पर्सनल यूज़ करेगा तो जितना पर्सनल यूज़ किया अगर आपने कंपनी ने दे रखा है तो आपके लिए टैक्सेबल है, कंपनी ने कहा नहीं दे रखा तो वो तो आपका अपना खर्चा खुद पे कर दो जाके। क्लब एक्सपेंडिचर, गूगल अब क्लब एक्सपेंडिचर देता है तो नेल, ठीक है, ये सब चीज़ें जितनी भी कॉस्ट अगर एम्प्लॉयर ने दी है तो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगी, खुद ने दिया तो क्या टैक्सेबिलिटी। इन रिस्पेक्ट ऑफ मूवेबल एसेट्स, इफ एम्प्लॉय बिलोंगिंग टू एम्प्लॉयर देन इफ एम्प्लॉय यूजेज एनी मूवेबल एसेट अदर देन एसेट टू विच प्रोविजन हैव बीन मेड बिलोंगिंग टू एम्प्लॉयर देन सच फैसिलिटी इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। अब सपोज ऑफिस के एक टाइपराइटर है मैं अपने घर ले जाऊँ तो कोई बात नहीं, मूवेबल है ना, तो उसकी 10% की जो कॉस्ट है डेप्रिसिएशन वो मेरे लिए टैक्सेबल हो जाएगी। अगर वो 5,000 का है तो 500 रुपये पर एनम मेरी सैलरी में ऐड हो जाएगा। इफ़ द एसेट इज़ हायर्ड, अगर हायर करी हुई है कंपनी ने तो जो रेंट है वो आपको देना पड़ेगा, उसका आप दोगे नहीं, मतलब आप उसका रेंट तो कंपनी दे रही है आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। ये सब छोड़ देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम ये सब डिटेलिंग वगैरह तो एक्चुअली जो CA CS कर रहे हैं ना उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप एक बार ढंग से पढ़ लीजिएगा आपके आपके MCQs वगैरह में आ जाता है, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द परक्विजिट आई बिलीव। मेडिकल फैसिलिटी ये भी हमारे लिए परक्विजिट होती है, मेडिकल फैसिलिटी का मतलब हो गया कंपनी ने आपके लिए डॉक्टर वगैरह सब फैसिलिटी करके रखी है। मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द टू द एम्प्लॉय और इज फैमिली इन हॉस्पिटल मेंटेन बाय द एम्प्लॉयर, हॉस्पिटल एम्प्लॉयर का है, फुल्ली एग्जाम्ड नौकर क्यों काम करेगा वरना वहाँ पे। रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल ऑफ एम्प्लॉय, अगर रीइंबर्स हो गया है तो एक्चुअली खर्चा किया वापस मिल गया, सैलरी होती रही फुल्ली एग्जाम्ड। पेमेंट रीइंबर्समेंट बाय एम्प्लॉयर ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय एन एम्प्लॉय ऑन हिमसेल्फ और फैमिली हॉस्पिटल्स, फुल्ली एग्जाम्ड। ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस दिया गया, फुल्ली एग्जाम्ड। एनी रीइंबर्स फॉर ग्रुप इंश्योरेंस वगैरह मिला, फुल्ली एग्जाम्ड। मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड आउटसाइड इंडिया, मेडिकल एक्सपेंडिचर हो गया तो जितना भी खर्चा हुआ जितना RBI ने परमिट किया है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ स्टे, बाहर रहोगे खर्चे होंगे तो रहने का खर्चा भी आएगा, वो भी कंपनी ने पे किया तो जितना भी RBI ने परमिट किया। ये आता है मेन जहाँ पे अमाउंट आते हैं सर। कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, पेशेंट और वन अटेंडेंट एक साथ में जाएगा ना बंदा, तो एग्जेम्प्टेड ओनली व्हेन ग्रोस टोटल इनकम ऑफ द एम्प्लॉय एक्सक्लूडिंग दिस फैसिलिटी डज नॉट एक्सीड 200,000 पर एनम। अगर आपकी सैलरी 2,00,000 से कम है साल की तो आपको कोई टैक्स देना नहीं है, इसकी कॉस्ट भी आप में ऐड नहीं करेंगे।
लेकिन अगर आपकी सैलरी साल की 2 लाख से ऊपर चली जाती है और आपको ट्रैवल का पैसा मिलता है मेडिकल के लिए और आपके अटेंडेंट को भी, तो जो भी उसके टिकट के पैसे वैसे होंगे सब आपके लिए ऐड हो जाएंगे आपके परक्विजिट में। फैमिली का मतलब स्पाउस, चिल्ड्रन इंडिविजुअल, पेरेंट, ब्रदर, सिस्टर इंडिविजुअल, होली और मेंटेन और डिपेंडेंट अपॉन द एम्प्लॉय। तो दिस इज ऑल अबाउट परक्विजिट्स। तो दोस्तों आपने करना क्या है, एलटीसी को भी बिल्कुल सेम तरीके से सारा का सारा एग्जाम भी होता है, कभी कभी एक्चुअली बिल दिखाने पड़ते हैं एलटीसी में सिर्फ आपको। अदर परक्विजिट्स के लिए एक लिस्ट दे रखी है, अगर इस चार्ट को आप प्लीज़ प्रिंट आउट निकाल लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि पता चल जाएगा कि कौन कौन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय देगा या नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ पर टैक्स देगा। तो ये चार्ट आपके लिए काम आ सकता है, ठीक है, किस किस परक्विजिट के ऊपर कौन टैक्स देगा कौन नहीं देगा। कभी कभी होते हैं क्वेश्चन आते हैं थ्योरी में, डिस्कस द प्रोविजन एप्लीकेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़, तो आपको वो ये चार्ट बना के उसका दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो आज हमने कंप्लीट किए हैं परक्विजिट्स, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रोविडेंट फंड और हम डिस्कस करेंगे यस स्टैंडर्ड डिडक्शंस, इसमें हमारी 40,000 की होती है, और एंटरटेनमेंट अलाउंस, फिर चैप्टर सैलरी ख़त्म हो जाएगा। तो आप अभी के अभी प्लीज़ रिवीजन करते चले जाओ साथ साथ। कुछ चैप्टर आपके कुछ डेज के लेक्चर बड़े बोरिंग लगेंगे, कुछ बड़े अच्छे लगेंगे, कुछ समझ में आएंगे, कुछ एक बार में समझ नहीं आएंगे। तो प्लीज़ हिम्मत मत हारना, पढ़ते रहना और बुक को डाउनलोड करके भी पढ़ाई करते रहो और चैनल को सपोर्ट करो और सब्सक्राइबर्स लाएं और स्टूडेंट्स को पढ़ाओ। ये चैनल सिर्फ आप लोगों के लिए है, तो आप ही लोगों से चलेगा। ऑलराइट, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।